ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी द, काफी लोगों का आंसर है जीरो से पाई, बहुत लोगों का आंसर है जीरो टू पाई। करेक्ट आंसर है बेसिकली साइन एक्स, व्हेन आई टॉक अबाउट रूट, रूट के अंदर की कंडीशन क्या होती है, पिछली बार हमने पढ़ा था साइन एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, इसका आंसर देखो ट्रिग्नोमेट्री सब लोगों ने पढ़ी है, बट ये अगर मैंने ट्रिगो इक्वेशन पढ़ लिया होता, ट्रिगो इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन तुमसे तुरंत हो जाता। बट मैंने अभी इसी वजह से पढ़ा है कि ये तुम खुद सोच सको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई। क्या अगर मैं आंसर देखना चाहूं तो आंसर जीरो से पाई तो 100% होगा, सब लोगों को जीरो टू पाई समझ में आ रहा है। क्या आंसर इसका यूनियन टू पाई से थ्री पाई भी होगा? क्या इसका आंसर यूनियन फोर पाई से फाइव पाई भी होगा? क्या इसका आंसर यूनियन माइनस टू पाई से उधर भी यूनियन बढ़ता चला जाएगा, इधर भी यूनियन बढ़ता चला जाएगा? ये चीज समझ में आई सबको? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर ऐसे सोच लो जीरो टू पाई ग्राफ मेथड से देख लो, चाहे तो अपने क्वाड्रेंट मेथड से देख लो। अब इसको मैं जनरलाइज करके कैसे लिखूंगा ये समझो। ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप्स होंगे, लेकिन उन इनफाइनाइट ग्रुप्स को सबको ये समझ में आता है, अगर मुझे कोई एक इवन नंबर लिखना है तो इवन नंबर का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है? 2n। ऑड नंबर का क्या होता है? 2n+1। तो देखो हर बार एक, यहां पे समझो, पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल पे, पाई के इवन मल्टीपल पे से पाई के ऑड मल्टीपल पे, जीरो को यहां पे इवन माना जाता है, पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल तक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2n पाई से 2n+1 पाई। देखो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को i या z कुछ भी लिखते हैं, देख लो कोई भी इंटीजर की वैल्यू पुट करो क्या आंसर मिल रहा है मेरा, जीरो पुट करोगे तो जीरो से पाई, वन पुट करोगे तो टू पाई से थ्री पाई, टू पुट करोगे तो फोर पाई से फाइव पाई, ठीक है, माइनस वन पुट करोगे तो देखो क्या आंसर आया, माइनस टू पाई से माइनस पाई। ठीक है, इंटीजर को z भी लिखते हैं, इंटीजर को i भी लिख सकते हैं। जीत क्या बोल रहे हो? पाई बाई टू इसका पार्ट है ना ऑलरेडी, जीरो से पाई में पाई बाई टू तो आएगा ही आएगा। तो फाइनल आंसर इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, 2n पाई से 2n+1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है इसको लिखने का फॉर्म। होपफुली सबको दिख रहा होगा, चाहे तो इसमें देख सकते हो, नहीं तो स्क्रीन शेयरिंग तो की है मैंने।
जीत समझ में आ गया? हाँ, कान पकड़ो, सॉरी मत बोला करो, कान पकड़ा करो वीडियो ऑन करके, ठीक है? समझो कैसे हुआ, मुझे साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किस पोर्शन में होता है? जीरो से पाए, टू पाई से थ्री पाए, फोर पाई से फाइव पाए, माइनस टू पाई से माइनस पाए, ऑब्वियसली साइन एक्स का ग्राफ है ये, मैंने देख लिया और उसको मैंने जनरलाइज करके लिख दिया 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू आस, ठीक है? ये लिख लो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? मैं होमवर्क दे दूंगा, अगर कल तक होमवर्क नहीं मिलता है तो रिमाइंड करना मुझको, मैं डोमेन के क्वेश्चंस दूंगा एज अ होमवर्क। जिसको तुमको ट्यूसडे तक सबमिट करना होगा, यू हैव टू सबमिट बाय ट्यूसडे। नेक्स्ट करें, नहीं मैं स्लाइड नहीं शेयर करूंगा, यू हैव टू राइट इट इन द क्लास। नेक्स्ट दिस, क्या हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं? पूजा मैम रेज योर हैंड, पूजा मैम रेज योर हैंड, Why I am not seeing? क्या हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं? यहां पे हमने दो क्वेश्चन जो हमने पहले कर चुके हैं वही दोनों क्वेश्चन दिए हैं विद अ पॉजिटिव साइन, तो फाइनल आंसर मुझको देना, फाइनल आंसर थोड़ा सा दिमाग लगा के देना, ठीक है? बिल्कुल आर्बिट तरीके से आंसर मत देना, अच्छा अच्छा आंसर है इसका, take your time, give me the answer. हमने ये पार्ट भी देखा था पिछली क्लास में, we have seen this. इसका आंसर क्या होता था, मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर होता था -4 to 4। अभी मैंने इसका आंसर भी देख लिया, फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दो क्वेश्चन है और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा उसका इंटरसेक्शन, सही से आंसर दो। आंसर इतना ध्यान रखो, आंसर सिर्फ और सिर्फ यूनियन के फॉर्म में होता है, इंटरसेक्शन कभी भी इंटरसेक्शन आंसर में नहीं होता है। क्यों? इंटरसेक्शन इज मिडिल स्टेप, इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट शुड बी माई आंसर, इंटरसेक्शन कैन नेवर बी अ मिड, कैन नेवर बी इन द फाइनल आंसर। ये सिंबल कभी भी, दिस इज अ इंटरसेक्शन सिंबल, कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है? आंसर बताओ सही से, जोशुआ दिमाग लगाओ, नहीं श्रेया नर्सेट नहीं, सोचो
मैंने इंटरसेक्शन निकालने के लिए पिछली क्लास में भी बताया था कैसे इंटरसेक्शन निकालते थे राजदीप, कैसे इंटरसेक्शन निकालते थे, मैंने बहुत पहले भी बताया है, हाउ डू यू फाइंड इंटरसेक्शन, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। नाउ मैं नंबर लाइन बनाता हूं, माइनस फोर टू फोर, यहां पे कहीं जीरो होगा, यहां पे कहीं फोर होगा, यहां पे कहीं माइनस फोर होगा। माइनस फोर टू फोर इज माई दिस पोर्शन, एम आई करेक्ट? अब आते हैं इसका आंसर, इसका आंसर क्या था, साइन एक्स का आंसर क्या था, साइन एक्स का आंसर क्या था, जीरो से पाई, टू पाई से थ्री पाई। तो जीरो से पाई क्या होता है, जीरो से पाई, जीरो से पाई, व्हाट इज पाई, पाई इज सम वैल्यू ना, 180 जो बोल रहे हैं अपने आप को थप्पड़ मारे, अभी मैंने क्लास शुरू होते बोला है 180 नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाई इज 3.14, कहां है, यहां पे रहेगा ना 3.14, फिर 2 पाई से 6.28 से आगे, तो दिस पोर्शन इसके आगे, उसके आगे भी होंगे, बट डू आई नीड टू केयर अबाउट दिस, मुझे उसके आगे देखना ही नहीं है, मैं पीछे भी आता हूं, पीछे भी तो आंसर था ना, पीछे क्या आंसर था, निगेटिव पार्ट में क्या आंसर था साइन रूट साइन एक्स का, निगेटिव पार्ट में था माइनस टू पाई से माइनस पाई, यानी कि माइनस 6.28 से माइनस 3.14। तो देखो मेरे दो लाइन कितने पार्ट में बन रहे हैं, दिस इज माई टू लाइन ना, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस फोर से माइनस 3.14 यूनियन जीरो से 3.14, ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट था, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट क्लोज, फाइनल जो तुम्हारे उसमें ऑप्शंस में जो आंसर लिखा होगा, माइनस 3.14 नहीं लिखा होगा, माइनस फोर से माइनस फाइव यूनियन जीरो से फाइव, ये आंसर लिखा होगा तुम्हारे फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, मैंने दोनों का वैल्यू निकाली, दोनों के डोमेन निकाले और उनका इंटरसेक्शन लिया, उनका इंटरसेक्शन लिया क्यों, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, एक फंक्शन का सीधे सीधे आंसर आता है, दो फंक्शन किसी तरह से भी एसोसिएटेड हो, इन द एंड दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन लेना होगा टू गेट मी द डोमेन ऑफ द कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। ये वैसा ही एग्जांपल है ना, दोनों में क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हो, ये तुम्हारा भाई था जिसको पिज्जा और बर्गर पिज्जा या बर्गर खाना था, ये तुम थे जिसको पिज्जा या आइसक्रीम खानी थी, तो इन द एंड तुम्हारे घर वाले क्या मंगाएंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन जिसमें दोनों लोग खा सके, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे प्लस की जगह अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी लिख दिया होता तब भी इंटरसेक्शन निकाल रहे होते, सबट्रैक्शन लिख दिया होता तब भी इंटरसेक्शन निकाल रहे होते, डिवीजन लिख दिया होता तो तब भी इंटरसेक्शन निकाल रहे होते, बट एक माइनूट सा चेंज हो जाता, क्या माइनूट सा चेंज हो जाता, डिनोमिनेटर वाला साइन जो यहां पे ये क्लोज ब्रैकेट में आ रहा है, वहां पे ये माइनस फोर टू फोर ओपन ब्रैकेट में
कन्वर्ट कर गया होता। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया। तो समझ में आया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किस तरह से, सब में इंटरसेक्शन ही लेना है, बट वो दिमाग लगा के। एम आई करेक्ट? ग्रेट, ठीक है। तो होपफुली यहां तक चीजें सबको समझ में आई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इसका आंसर ये है, आई डोंट थिंक किसी ने सही किया था, काफी लोगों ने आंसर जीरो से पाई दिया था, बट निगेटिव साइड वाले भूल गए थे, ठीक है। तो दिमाग खुला रख के सारे क्वेश्चंस करने हैं। गुरजीत, ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं, पहले मैं समझा दे रहा हूं फिर तुम उसे लिख लोगे। साइन एक्स, अश्वथ गुड, साइन एक्स, साइन एक्स में एक्स को क्या पुट कर सकते हैं? हमने ये सब ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था। यस, साइन एक्स में एक्स को क्या पुट कर सकते हैं? वी कैन पुट एनीथिंग इन एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जिसको आर भी लिखाया था शायद मैंने। कॉस एक्स का भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। टेन एक्स में क्या होता था? टेन एक्स, टेन पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स में नहीं डिफाइन होता था। ग्राफ याद करो, याद है? पाई बाई टू पे नहीं डिफाइन होता था, थ्री पाई बाई टू पे नहीं डिफाइन होता था। तो टेन एक्स का डोमेन होता है आर माइनस, ये डिफरेंस वाला साइन है, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो पाई बाई टू के हर ऑड मल्टीपल, यानी कि पाई बाई टू मिस होगा, थ्री पाई बाई टू मिस होगा, फाइव पाई बाई टू मिस होगा, माइनस पाई बाई टू भी मिस होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू सब। सिमिलरली कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स कहाँ कहाँ नहीं डिफाइन होता था? पाई के मल्टीपल पे, मतलब जीरो पे नहीं, पाई पे नहीं, टू पाई पे नहीं। और जैसे टेन एक्स होता था वैसे ही sec x होता था, और जैसे ही cot x होता था वैसे ही cosec x होता था, ठीक है। एवरीवन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जिसने भी नहीं पढ़ा वो अभी लिख दे। ये होते हैं साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन। प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं। सबने लिख लिया? ओके, एक मिनट और दे रहा हूं, मैं पानी लेके आता हूं, सब लोग लिखो। अप्रैल में तुम लोग की थोड़ी सी हॉलीडे देंगे, छुट्टियां देंगे अप्रैल में, और उससे पहले, उन छुट्टियों से पहले तुम लोगों का फुल टेस्ट होगा। जैसे हम लोगों ने दिसंबर में फुल टेस्ट किया था ना, वैसे ही फुल टेस्ट होगा अगेन डे वन से लेके उस पोजीशन तक। कल हॉलीडे है ना, कल कुछ है क्या? हर्षवर्धन कल हॉलीडे, शिवाजी शिव जयंती। ओके ठीक है, मैं रात तक कंफर्म करता हूँ, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं रात तक कंफर्म करता हूँ कल की हॉलीडे का, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली फिर हॉलीडे दे देंगे,
चिल मानना थोड़ा सा, लेट मी कंफर्म बाय टू नाइट, ओके अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूं। मैंने शामनी, मैंने टेस्ट के बारे में ये बोला है कि अप्रैल में तुम लोगों की हॉलीडे देंगे अराउंड 1 week 10 days की, और उससे पहले वी विल हैव फुल टेस्ट। फुल टेस्ट मीन्स डे वन से मार्च तक जितना भी पढ़ाया। सो डे वन मतलब यस्टरडे ना? सॉरी, डे वन वाज यस्टरडे राइट? क्या यस्टरडे? सॉरी, डिडंट गेट यू। डे वन ऑफ आवर क्लास वाज यस्टरडे राइट? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल। डे वन लास्ट मतलब इट वाज डे बिफोर राइट? मतलब जो आपने लास्ट क्लास लिया था। हाँ हाँ, डेट वाज डे बिफोर यस्टरडे। और इवन द चैप्टर्स बिफोर दैट? नो नो, डेट वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ कैलकुलस फंक्शन। या ठीक है। हाँ अच्छा, डे वन मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके ओके सर। स्ट्रेट लाइन, एवरीथिंग। ओके सर, या एवरीथिंग, वो नहीं, एवरीथिंग, सब कुछ, इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरीथिंग। ठीक है, या हाँ। अगेन वैसे ही दो टेस्ट होंगे, अगर दो बैच वाइज होंगे, कुछ लोगों का कुछ बचा रहेगा तो उनको वो नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है, ये इनके डोमेन्स है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब वन अपॉन साइन नहीं, ये पावर नहीं है, ये साइन की पावर माइनस वन नहीं है, ये साइन इनवर्स है। इनवर्स फंक्शन अभी आगे देखेंगे होता क्या है, बट इतना समझ लो, साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या होगा? साइन की कौन सी वैल्यू पे आंसर हाफ आता है? पाई बाई सिक्स पे, 30 degree, लेकिन 30 degree नहीं बोलोगे आप, पाई बाई सिक्स बोलोगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। साइन का आउटपुट कहां से कहां होता है? साउंड का साइन का आउटपुट माइनस वन टू वन। इज दिस द पार्ट ऑफ डोमेन? हाँ, दिस इज डोमेन। ठीक है, तो साइन का आउटपुट होता है माइनस वन टू वन, तो इनवर्स फंक्शन का इनपुट हो जाएगा माइनस वन टू वन। सही कर लो, गलत लिखा था, माइनस वन टू वन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस वन टू वन क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली कॉस, कॉस का आउटपुट क्या होता है? अगेन माइनस वन टू वन, तो कॉस इनवर्स का इनपुट क्या होगा? टैन का आउटपुट क्या होता था? टैन कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो टैन इनवर्स का इनपुट क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये इसके डोमेन हो गए। लॉग फंक्शन सबको याद है, लॉग फंक्शन के इनपुट के ऊपर क्या कंडीशन होती थी? इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, एंड लॉग का बेस के ऊपर ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, कैन नेवर बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये साइन कॉस टैन इनवर्स का कंडीशन है, एंड लॉग एक्स बेस से, जिसको अभी साइन कॉस टैन इनवर्स में अभी के लिए तुमको ये याद रखना है, हम ITF पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा हम ITF पढ़ते हैं, तो ITF में ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगी। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, sec इनवर्स sec x का होगा, तो अगर मैंने पूछा होता, चलो
अगर इस यहीं पे लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स x का क्या होगा, कॉट इनवर्स x का, तो कॉट x का आउटपुट क्या होता है, कॉट x का ग्राफ हमेशा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाता है ऑल रियल नंबर, तो कॉट इनवर्स का भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा. वॉट अबाउट sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, याद करो sec x का आउटपुट क्या होता था, sec x का आउटपुट माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, ग्राफ याद है, ये वन से ऊपर रहता था या माइनस वन से नीचे रहता था, तो sec इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी. कुछ लोग इसको आर माइनस माइनस वन टू वन लिखते हैं, वो तो ऑप्शन में कैसा है वो डिपेंड कर जाता है. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट है. माइनस वन एंड वन कैन बी द पार्ट ऑफ द आंसर, जो चीज सेक के लिए है वही चीज कोसेक के लिए भी होगी. ऐसा क्यों होता था, क्योंकि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक होता था ना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता था. अगर साइन माइनस वन टू वन है तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है, टू होता है ना, तो माइनस वन टू वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, या तो वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा, ठीक है. वो ग्राफ वाइज भी आपको याद है, ग्राफ याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ठीक है. तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज लॉग फंक्शन के डोमेन के बारे में देख लिया. बढ़े आगे, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. अगर मुझसे बोला गया है इसका डोमेन निकालो, तो अब देखना, डोमेन हमेशा सबसे बाहर वाले फंक्शन से शुरू होता है, सबसे बाहर वाला सबसे पहले हटाते हैं. सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है एग्जाम्पल में, साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स के ऊपर क्या कंडीशन बनती है, वो माइनस वन टू वन के बीच रहेगा विद लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सही कर लेना. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू वन. तो अगर मैं एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन करूं, माइनस थ्री को इधर भेजू, तो एक्स ग्रेटर देन टू मिलेगा, और सिमिलरली x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू वन करूं और 3 को उधर भेजू, तो x लेस देन इक्वल टू 4 मिलेगा. तो इससे मेरा आंसर आया 2 से 4. एम आई करेक्ट, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल में मैंने क्या किया, साइन इनवर्स का अगेन क्वेश्चन दिया, कंडीशन साइन इनवर्स हटी, बचा x प्लस फोर एक्स बाई फोर. अगेन यहाँ पे वो जिसने पीपीटी बनाई है उसको थोड़ी सी मैथ ज्यादा आती है, तो उसने लेस देन को लेस देन इक्वल टू, ठीक है, x बाई फोर बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन. क्या मैं फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, गुड सैम श्रिया, व्हेन कैन यू मल्टीप्लाई, यस आई कैन मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ
द नंबर विच आई एम मल्टीप्लाइंग इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. फोर इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट को कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. आई कैन नॉट मल्टीप्लाई अ निगेटिव कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर मैं निगेटिव कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है. एंड आई कैन नेवर मल्टीप्लाई और कैंसल आउट एनी ऑफ द अननोन वेरिएबल. x से मैं नहीं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, x इज अ अननोन वेरिएबल. आई कैन नेवर मल्टीप्लाई बाय x, आई कैन नेवर मल्टीप्लाई. जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको मैं इनइक्वालिटी में कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन करें आगे. ग्रेट. तो ये दो एग्जांपल्स है, बिल्कुल बच्चों वाले एग्जांपल्स है, तुम लोग भी बच्चे ही हो, सूट करता है. नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. सही है, अच्छा है. ये डॉट क्यों लगाया उसने, जिसने पीपीटी बनाई, इस डॉट का कोई इंपॉर्टेंट है? नो सर, वो पीपीटी में पॉइंट्स लिखते वक्त आ जाता है, ऐसा अपने आप आ जाता है. अच्छा, तो उसने मेहनत नहीं की एक्चुअली, उसने हटाया नहीं. सर वो बुलेट्स आते हैं ना पॉइंट्स लिखने के लिए. हां, राइट 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 राइट. वो उन्होंने डिलीट नहीं किया. हां हां, वही वही. ठीक है, अच्छा, एडिट कलर को चेंज किया ना उसने, उसने ऊपर वाली हेडिंग रेड में दी, जिसमें तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं तो बोरिंग लगता है ना, जितना कलरफुल होता उतना अच्छा लगता है. चलो क्वेश्चन करो. लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री बेस 10, इसका डोमेन निकालना है. अजिंक्य, एनिमेशन कहाँ से डालो इसमें? एनिमेशन यही डाल सकता हूँ कि एफ थोड़ा सा डिजाइन से आ जाए, डोमेन का कुछ, मतलब लॉग ऐसे घूमते घूमते पहले, मतलब वो होता नहीं लॉग, मतलब क्या मैं बोलूं. कोई नहीं. हाँ, आंसर बताओ. कुछ लोग आंसर दे भी दे रहे हैं. श्रेया व्रिया सही है. हेट ब्रैकेट के टर्म्स में आंसर दो. रुतजा करेक्ट है. आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. द आंसर इज -3 to ∞. बहुत सिंपल है. लॉग का डोमेन याद है, लॉग में डोमेन में कंडीशन होती थी कि इसकी वैल्यू x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. और ये तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन था इनइक्वालिटी वाला. x ग्रेटर देन -3, यानी मेरा x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी. डन, लिख लो. देन आई मूव टू द नेक्स्ट वन. बहुत आगे आगे ये हो गया ना क्वेश्चन, ये हो गया था ना. इसकी जगह लॉग वाला दिखा सकते हैं प्लीज? ये वाला? यस सर, जस्ट अ मिनट. x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3, यानी आंसर वुड बी -3 से इनफिनिटी. यस सर, थैंक यू. यहां पे लिख लो कोसेक इनवर्स x बाई 4 इंस्टेड ऑफ. अब इसका आंसर बताओ साइन इनवर्स की जगह. मेरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स x बाई 4. कोसेक इनवर्स में x बाई 4 की क्या कंडीशन आती थी? x बाई 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1
और x by 4 should be greater than equal to 1. क्यों? क्योंकि यही तो होता था ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन आता था, यूनियन वन से इंफिनिटी जाता था, तो या तो इट वुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन या ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ऑब्वियसली 4 इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, सो आई कैन मल्टीप्लाई, x वुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 4 और x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो फाइनल आंसर वुड बी माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी. एम आई क्लियर? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़ते sir. Yes. I'm sorry to understand, how can it be less than negative and greater than positive? और है ना बेटा, यूनियन है ना यहाँ पे, यूनियन साइन नॉट द इंटरसेक्शन साइन. अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन होता तो आंसर क्या होता? नल सेट. नल सेट. यहाँ पे यूनियन था तो मैंने यहाँ पे और लगाया. और इज इक्वेलेंट टू यूनियन. इंटरसेक्शन इज इक्वेलेंट टू एंड. और एंड में समझ में आता है शायद. yeah. पीएनसी में भी हल्का फुल्का मैंने बताया था और एंड में क्या डिफरेंस होता है. और में पीएनसी में एडिशन करते थे, एंड में मल्टीप्लिकेशन करते थे. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है. यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, या एंड का मतलब इंटरसेक्शन. यस. और का मतलब इधर दिस और दिस, इधर दिस और दिस. ठीक है, नेक्स्ट डू दिस. कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x. आंसर जिसका जिसका हो जाए बता दिया करो. चंपू जैसा लग रहा हूं ना मैं, बाल बिल्कुल चिपके चिपके लग रहे हैं. हाँ वही, अभी एक तो बात उसके बाद शैम्पू वैम्पू किया, फिर तेल लगा लिया, थोड़ा सा चंपू जैसा लग रहा हूँ. cos inverse 1 minus 2x. क्या कंडीशन आती थी cos inverse पे? 1 minus 2x should be less than equal to 1 and greater than equal to minus 1. अब उनको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे. टू एक्स को इधर भेजा और 1 को उधर भेजा, तो 2x less than equal to 2, x less than equal to 1. ये एग्री? इधर से आते 1 minus 2x, 2x को उधर भेजा, 1 को इधर भेजा, तो 1 तो कैंसिल हो गया. x greater than equal to 0, x less than equal to 1. तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? सही बोल रहे हैं काफी लोग. x belongs to 0 से 1. ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने इंटरसेक्शन ही लिया है. क्यों? क्योंकि यहां पे एंड कंडीशन है. इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1 एज वेल एज इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. तो मैंने उसको जो एंड कंडीशन है उसको ब्रेक करके आगे सॉल्व किया है. तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस. ठीक है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, श्यामनी, x इज नेगेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय x इज नेगेटिव? x
x तो कहीं negative है ही नहीं, 1 minus 2x, तो 1 minus 2x greater than equal to minus 1, माइनस टू एक्स को इधर भेजा तो ये 2x बन गया, माइनस 1 को इधर भेजा तो 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 1 आया, इस माइनस 2x को उधर भेजा तो ये 2x बन गया, ये 1 इधर आके 0 हो गया, तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आगे बढ़े। cos inverse 1 minus 2x by 4 करो, सॉल्व करो, मैं अपने बाल सही कर लेता हूं, अभी थोड़ा सा सही है, अब बोलो किसी किसी का आंसर आया, ओके अजिंक्य, अजिंक्य और तुहिन दोनों का उल्टा आंसर आया है तो किसी एक का तो गलत है, ओके अक्षय, ओके हित, ध्रुव ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करो, focus on this, cos inverse 1 minus 2x whole by 4, so condition same ही होगी, 1 minus 2x by 4 greater than equal to 1 less than equal, sorry greater than equal to minus 1 and less than equal to 1, थोड़ा सा simplify करने में क्या ना, ये इस 4 को तो मैं cross multiply कर सकता हूं, minus 4 इसको एक साइड लिया, माइनस फोर, माइनस टू एक्स इधर आया, फोर उधर गया, तो एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाई टू, इधर वाला सॉल्व करने आया, श्रेया देखो क्या गलती कर रही हो, वन माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, टू एक्स को इधर जाला, फोर को इधर आया, तो माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो मेरा आंसर क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री बाई टू से फाइव बाई टू, ये फाइव बाई टू ही था ना, माई फाइनल आंसर इज माइनस थ्री बाई टू से फाइव बाई टू, ठीक है। अच्छा कोई अगर इसको उधर ना बेच करके इसको उधर भेजता है तो भी ध्यान रखना, मतलब गलती मत करना, इस वन को इधर भेजा तो माइनस फाइव ग्रेटर देन माइनस टू, लेकिन अगर मैं पूरी इक्वेशन को निगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाता था, निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे माइनस फाइव बाय माइनस टू, इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो देखो इधर से भी सेम आ रहा है ना, फाइव बाय एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाय टू सेम आएगा, ठीक है। तो चाहे तुमने माइनस टू एक्स को इधर भेज के किया है या माइनस टू एक्स को छोड़कर कॉन्स्टेंट को उधर भेज के किया है, स्टेप सेम रहेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर गलत आ ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते गुड, सो हम साइन इनवर्स रूट टू एक्स, इसका आंसर बताओ, दो मिनट है, आंसर दो, कहीं कोई क्वेश्चन आंसर में पूछ रहा है,
किसना जो आंसर जो मुझसे पूछना है चैट पे पूछो या चैट पे मैसेज दो, ये क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन से मत दो, ठीक है? ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट टू एक्स, किसी का अगर पिछला वाला क्वेश्चन छूटा है तो वो देख लो। असीम गुड, अक्षय गुड, ऋतुजा गुड, यशवन सही करो गलत है, और देखें किसका आया है, हेत गुड, सोम पाठक सही करो, अक्षत सही करो, किसने पीछे से बोला, किसकी मम्मी ने किसको डांटा, आयान थोड़ा सा सही करो, कहीं सिली मिस्टेक है, हर्षवर्धन सिली मिस्टेक नहीं। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले साइन इनवर्स हटाया तो मेरे लिए आया -1 and 1। अब यहां पे ये क्वेश्चन मेरा पहला स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मेरा स्क्वायर रूट वाला कंडीशन, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, याद है स्क्वायर रूट का मैंने रिवाइज करने के को भी बोला था, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप ये होता था, अगर मेरा दोनों साइड पॉजिटिव है, अगर मेरा दोनों साइड पॉजिटिव है तो कैन आई स्क्वायर देम, आई कैन स्क्वायर इन एन स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ बोथ साइड्स आर पॉसिबल पॉजिटिव। तो यहां पे मैं स्क्वायर करता हूं तो 2x < 1, x < 1/2, ठीक है? स्क्वायर रूट में याद करो, स्क्वायर रूट में भी मैंने डोमेन नाम की एक चीज बोली थी, स्क्वायर रूट में डोमेन आता था, डोमेन क्या है, रूट के अंदर का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर का, वही चीज 2x, ये इसका डोमेन है 2x > 0, तो x > 0, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा -1, तुम लोगों ने चाहे जैसे किया हो जैसे मैंने अभी लिखा है इसको लिखोगे, अगर ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था, इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा और तुमने ये स्टेप नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। व्हाई? क्योंकि इस थर्ड पार्ट का क्या आंसर है, व्हाट इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, -∞ to ∞, द आंसर फॉर एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट मान लो या थर्ड पार्ट मान लो, इसका आंसर है -∞ to ∞। क्यों? शायद मैंने स्क्वायर रूट में बताया भी था, स्क्वायर रूट वाली क्लास में, क्यों आ रहा है वहां पे आंसर -∞ to ∞, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू निगेटिव नंबर रहता है, तो हमेशा आंसर -∞ to ∞ आएगा। तो बेसिकली इस केस में मैं आंसर हमेशा बोलता था कि इस केस में आंसर डोमेन होता था, मैंने स्क्वायर रूट वाला अगर क्लास तुम्हें याद है दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव हैं तो स्क्वायर रूट करते थे, तो स्क्वायर करते थे अगर कोई कुछ बोल रहा है, ये कोई कुछ बोल रहा है, येलो कलर विजिबल नहीं है, ऐसा कुछ है,
दोनों साइड पॉजिटिव है तो आई स्क्वायर वी स्क्वायर, लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, तो इसका आंसर होता था ऑल रियल नंबर एंड पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, इसका आंसर होता था नो सॉल्यूशन, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, तो ऑल रियल नंबर पॉजिटिव लेस देन निगेटिव कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता. इट इज लाइक सेइंग, ठीक है यहाँ पे ग्रेटर देन, टू बी मोर स्पेसिफिक ये ग्रेटर देन रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू ना रखो क्योंकि जीरो वाला केस उसमें आ जाता है, ठीक है वो तो इक्वलिटी वाली केस अलग से देख लेते हैं, बट ये चीज समझ में आई. तो इसका आंसर ये फाइनल आंसर वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स, इन तीनों का इंटरसेक्शन, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का इंटरसेक्शन तो मैं भूल ही जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन से ये तो पूरा ही सेट है, उसका इंटरसेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू हाफ, तो फाइनल आंसर क्या होगा, कॉमन सेंस मेरा बोल रहा है, अगर कॉमन सेंस ना देखो नंबर लाइन बना के देखो तब भी आ जाएगा, माय फाइनल आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू जीरो से हाफ. क्लियर है, देख लो किसी को कंफ्यूजन है तो, किसी को इस, जिसने भी ये तीनों चीज नहीं लिखी है इनको लिखोगे, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन बड़े होंगे तो ये आंसर तुम्हारा गलत होगा अगर तुमने ये तीन पार्ट में डिवाइड करके नहीं किया है, एक पार्ट उधर वाला सॉल्व करना, एक पार्ट इधर वाला सॉल्व करना और डोमेन. ठीक है, तीनों पार्ट लिखोगे, यू हैव टू राइट ऑल द थ्री पार्ट, ठीक है. जिसको भी ये पहला वाला पार्ट नहीं समझ में आया है, मेरा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन देखो, क्लास देखो, उसमें शायद मैंने बताया है ना मैंने स्क्वायर रूट वाले क्लास में, यस सर, उसमें मैंने बताया था कि क्यों निगेटिव पॉजिटिव और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, उसमें सारे चार केसेस बना के चारों केसेस के आंसर्स भी बताए थे, ठीक है आगे बढ़ते हैं. मैंने बोला था लॉग वॉग डिवाइस करके आना है, तो ऑब्वियसली अब कुछ आगे लॉग्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये करो एवरीवन डू दिस. Everyone, please write it down. पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं जिसका पिछली स्लाइड छूटी है वो भी दिखा दूंगा. चलो ये क्वेश्चन लिख लो. This was the whole slide. हाँ यशवंत लानी, वो जो मैंने लिंक एक भेजा था ना ग्रुप पे, मैंने इन इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट में जाना, सबसे पहले इन इक्वेशन की प्लेलिस्ट में इन इक्वेशन है, फिर स्क्वायर रूट है, मॉडुलस है, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉग है, तीन लेक्चर्स हैं उसमें. मजा आ रहा है लेक्चर्स में? यस सर, यस सर, ग्रेट. देखो सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट. तो सबसे पहला काम है मैं स्क्वायर रूट उड़ाता हूं. स्क्वायर रूट के अंदर की कंडीशन क्या होती है,
greater than equal to zero. Agree? सबको ये चीज क्लियर हुई? This is the step by step. अब square root हट गया. Zero is log what? Zero is log what? Zero को मैं क्या कर सकता हूं? जीरो को क्या लिख सकता हूं? लॉग वन लिख सकता हूं. ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग वन बेस टेन. एग्री? ये चीज क्लियर हुई? कैन आई कैंसल बोथ साइड लॉग? शायद मैंने एक चीज बताई होगी, अगर नहीं बताई होगी तो लिख लेना फिर से. लॉग अल्फा बेस ए ग्रेटर देन लॉग बीटा बेस ए. अगर दोनों साइड बेस सेम है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है इफ ए इज ग्रेटर देन वन, एंड अल्फा लेस देन बीटा होता है इफ ए बिलोंग्स टू जीरो से वन. अगर बेस वन से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, अगर बेस वन से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस. अगर किसी को नहीं पता है तो उसको प्लीज लिख ले. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम रिपीटिंग, लॉग्स इनइक्वालिटी में हटा सकते हैं अगर बेस सेम है, विद द कंडीशन की अगर बेस वन से बड़ा है तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी, अगर बेस जीरो से वन हो गया तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन थी तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो मेरे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बेस क्या था? बेस वॉज 10, यानी इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं, सबको एक साथ ले चला जाता हूं. माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4. दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिए हैं, 4 को मल्टीप्लाई करना. इनको इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0. आई ऑब्वियसली आई कैन फैक्टराइज, और इसके बाद वे भी कर इनइक्वालिटी से मेरा मुझको आंसर दिख रहा है. वॉट इज माई आंसर? What is my answer? 1, 2, 4. X belongs to 1, 2, 4. Repeat कर रहा हूं. सबसे पहले मैंने square root की condition हटाई. Domain हमेशा सबसे बाहर वाले function से शुरू होगा. Square root की condition हटाई. Log of this greater than equal to 0 आया. अब log हटाया. लॉग हटाने के लिए यहां पे जीरो को क्या लिख दिया? लॉग वन लिख दिया. ठीक है, फिर आगे ये सॉल्व किया आ गया. अच्छा अक्षय, अक्षय कैन यू लिसन टू मी? अक्षय गोखले, अक्षय ने बोला कि सर इसके ऊपर भी तो एक लॉग की अपनी कंडीशन होती थी ना, लॉग की अपनी कंडीशन होती थी कि ये जो है दिस हैज टू बी, लॉग की अपनी कंडीशन क्या होती थी? दिस हैज टू बी, जो मैंने सर्कल किया, ग्रेटर देन जीरो. लेकिन सोचो मैं आगे किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैंने जस्ट देख लिया मैं किसके लिए आगे सॉल्व कर रहा हूं इस स्टेप पे, ग्रेटर देन इक्वल टू वन. अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो डू आई नीड टू चेक ग्रेटर देन जीरो? नहीं. यस, उस केस में हमको ग्रेटर देन, अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू वन चेक कर ले रहा हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चेक करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन जीरो. बट अगर यही क्वेश्चन उल्टा हो गया होता, सपोज करो मतलब अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वन वाला सिंबल आ रहा होता तो मुझे दूसरी साइड कंडीशन क्या लगानी पड़ती? ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन लगानी पड़ती है. आगे चल के या होमवर्क क्वेश्चन में तुम देखोगे वो दोनों चीज यूज होती होगी. ठीक है,
गॉट इट? फिर इंटरसेक्शन लेते, लेस देन इक्वल टू वन का एज वेल एज ग्रेटर देन जीरो का, दोनों साइड से आंसर निकालते और इंटरसेक्शन लेते. अभी भी अगर कोई ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दोनों सॉल्व करके लेगा और इसका इंटरसेक्शन निकालेगा तो इंटरसेक्शन यही आएगा 1, 2, 4. ठीक है, तो वो स्टेप रिडंडेंट हो गया. रिडंडेंट मतलब रिडंडेंट मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे तुम्हारा दिमाग. राइट, कौन कौन अपना दिमाग यूज करता है? अच्छा, कौन कौन नहीं यूज करता है? ठीक है, देखते हैं, देखते हैं. अभी अभी तो शुरू हुई है. नेक्स्ट एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, समर्पित बोल रहा है कभी कभी घुटने में दर्द होता होगा ना काफी लोगों को. नहीं नहीं होता. नेक्स्ट वन ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए, टाइम पास करते हुए पढ़ेंगे, बट बोरिंग नहीं होने देंगे पढ़ाई. मैथ्स तो चलती रहेगी. मैथ्स सी, टेंशन लेके कोई भी चीज मत पढ़ना. जो अच्छा लगे उसके ऊपर प्रॉपरली, एक तो दो चीज, क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करना. क्लास में आ रही है मेरी? हाँ, मैं म्यूट हो गया. पीछे से वो कार्ड वालों, जो वो होते हैं ना क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, उनका कॉल आ रहा था. वो इंडस बैंक है ना उनका. तो मैं, मेरा ये कहना है कि जो क्लास है, जो भी 2-2.5-3 घंटे की क्लास होती है, बी वेरी सीरियस अबाउट दैट. वहां की एक एक चीजों पे दिमाग लगाओ. वो 2.5-3 आवर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे से जाने चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो टीचर लोग बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं. मतलब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दीज आर एग्जाम्पल क्वेश्चंस. ये मेरा आर्बिट कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया. हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट या ना कुछ यूज हो रहा है. मतलब रिपीट क्वेश्चंस नहीं होते. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड डोंट वरी, आगे चल के जब मैं रिविजन करवाऊंगा तो रिविजन में अगेन इसी फॉर्म में करूंगा. फिर तुम लोगों को एक डीपीपी दूंगा, हर चैप्टर की अराउंड 30 क्वेश्चंस की डीपीपी, जिसमें से तुम्हारे जेई मेन के, मतलब जेई एडवांस से ज्यादा, ऑब्वियसली जेई एडवांस के क्वेश्चंस कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. जेई मेन के क्वेश्चंस जनरली मैं, मतलब ऑल द गुड टीचर्स जितने भी हैं, दे कैन प्रिडिक्ट कि किस टाइप के आते हैं. नॉट ऑल द क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, 10-15 क्वेश्चंस जो मैं, लाइक 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स में, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चंस, मीन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस, 900 क्वेश्चंस. अभी कल ही मैंने अपने 12th के बच्चों को वो शीट भेजी है. इट हैज मोर देन 150 पेजेस, सॉफ्ट कॉपी भेजी है उनको. वो 900 क्वेश्चंस लगा के जाने हैं. उनमें से, उन 900 क्वेश्चंस में से ऑब्वियसली 10-15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूरे रिपीट हो जाएंगे. अब वो 900 क्वेश्चंस मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है. दे शुड नो दोस क्वेश्चंस बाय हार्ट. मतलब कि इस ये तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पे 5x-x2/4 की जगह x³-x²/2 आ जाए तो हो जाना चाहिए ना साहिल. मतलब उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. वो 900 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट 1 मंथ का होता है. ठीक है, ठीक है. उस 900 क्वेश्चंस में मैथ्स में 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं. इट इज लाइक दैट. दिस इज डीपीपी बेस्ड. और उससे पहले बहुत सारी चीजें रिवीजन होती हैं. सो बट वही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. तुम लोगों को अगर मैंने ये क्वेश्चन करा दिया और ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया, तो आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए. व्हेन आई से दिस क्वेश्चन, यहाँ लॉग 10 की जगह लॉग हाफ आ जाए, यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब इसमें चेंजेस करके क्वेश्चन आए, बट
मेथड सारे यही रहे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% सही होना चाहिए. दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आगे बढ़े. ग्रेट. देखो मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था, इसमें ट्राई करो. हाँ साहिल, पता है चैट में लिखने में बोर होता है आंसर, बट क्या करें, क्योंकि तुम बोल दोगे या कोई भी बोल देगा तो बाकी लोगों को थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कि एक कोई भी किसी दूसरे के आंसर से इन्फ्लुएंस हो. एवरीवन ट्राई दिस, 2 मिनट है. किसी ने आंसर दिया, मैं देखती हूँ. ओके कोई कोई बात नहीं हर्षवर्धन, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा आंसर सही है. स्टेप वन अगेन, रूट हटाया. रूट हटाया तो मेरे लिए कंडीशन आई लॉग हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको मैंने लॉग 1 बेस हाफ लिख दिया 0 को. अब लॉग लॉग जब कैंसिल होगा तो लॉग बेस हाफ है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 वुड बी लेस देन इक्वल टू 1. एम आई करेक्ट? लेस देन इक्वल टू 1. ये चीज क्लियर हुई? 4 मल्टीप्लाई किया सबको उधर ले गए तो एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा क्या बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा. क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए? मैंने क्या बोला, बेस क्या है, व्हाट इज बेस हियर? हाँ अंडरस्टूड सर, थैंक यू. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ लिख के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कर चुके. पिछले क्वेश्चन में ये लेस देन इक्वल टू आ रहा था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां से मेरा आंसर मिला x बिलोंग्स टू एम आई करेक्ट? मेरा यहां तक आंसर मिला सही. क्या मेरा क्वेश्चन हो गया? एम आई डन? नो. क्यों क्यों नो? क्योंकि यहां पे लॉग का अपना डोमेन कंडीशन भी आएगी ना. माय लॉग की अपनी डोमेन कंडीशन सेज कि मेरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0. तो 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, इससे मेरा मिला x बिलोंग्स टू 0 से 5. अब देखो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, माय फाइनल आंसर हैज टू बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. अब चाहे तुम वो नंबर लाइन से करो चाहे जैसे करो, मुझे मुझे मैथ आती है, मैं देख के कर सकता हूं. योर 0 से 5 तो मैं आंसर लिखूंगा 0 से 1 यूनियन
4 से 5. देखो मैंने ब्रैकेट भी सही देख के लिखे हैं एंड इंटरसेक्शन भी सही किया. सही किया 0 से 1 यूनियन 4 से 5. 0 पे ओपन क्योंकि ओपन था, 1 पे क्लोज, 1 पे क्लोज था, 4 पे क्लोज एंड 5 पे ओपन. ठीक है. कितने लोगों का ये आया था, रेज योर हैंड. जिनका जिनका ये आंसर आया था रेज योर हैंड. लेट मी सी. गुड. कम लोगों का आया था बट स्टिल आई एक्सपेक्टेड, मतलब ऑलमोस्ट, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है. रिवाइज करोगे तो जो जो गलतियां हैं, जब भी घर जाके रिवाइज करो, तो रिवाइज पढ़ के मत करना मैथ्स की क्लास. मैथ्स की क्लास वापस ये क्वेश्चन लिखोगे और सॉल्व करोगे और आंसर चेक करोगे. अगर आंसर सेम है तो वेल एंड गुड, मूव टू द नेक्स्ट वन. अदरवाइज देखो क्या गलती की है. ठीक है, आगे बढ़े. ग्रेट अश्वर, गुड. श्यामनी कुछ बोल रही थी. आदित्य क्या डाउट है. ठीक है, ये चीज क्लियर है. मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का. श्यामनी मेरा ये कहना है कि जब भी बेस लेस देन वन होगा, बेस लेस देन वन होगा तो मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स होगी. जब भी बेस ग्रेटर देन वन होगा तो मेरी इनइक्वालिटी सेम रहेगी. ठीक है, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस लॉग एक्स बेस टू, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, सॉरी लॉग टू बेस एक्स, उल्टा बोल दिया मैंने. आंसर बताओ इसका. लॉग टू बेस एक्स. श्रेया क्या आंसर दे रही हो बेटा, सही करो. सम सही है, तुहिन सही है, हेत सही है, उत्तेजा सही है, श्यामनी श्रेया सोहम सही है. सोहम ब्रैकेट की गलती ना करो, श्रेया सही करो. याद करो बेस के ऊपर क्या कंडीशन होती थी. ये बेस है ना, दिस इज बेस. तो बेस के ऊपर कंडीशन होती थी x हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, x नॉट इक्वल टू वन. ये मेरी कंडीशन होती थी. इसको अगर मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं जीरो से इंफिनिटी डिफरेंस वन, या फिर इसको लिख सकता हूं जीरो से वन यूनियन वन से इंफिनिटी, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ माई आंसर. नो प्रॉब्लम श्रेया. ठीक है, क्लियर. ये बेस था, बेस के ऊपर कंडीशन होती थी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू वन. आगे बढ़े. नहीं असीम, नेचुरल आर दीज नेचुरल नंबर जीरो से इंफिनिटी. जीरो से इंफिनिटी नेचुरल नंबर है. दीज आर नहीं, होल नंबर भी नहीं है. जीरो से इंफिनिटी ना होल नंबर है. दीज आर रियल पॉजिटिव नंबर. होल नंबर होते तो 1 2 3 0, 1 2 3 4 ये थोड़ी होता है. जीरो से इंफिनिटी मतलब जीरो के बाद 0.1001, दीज आर ऑल रियल नंबर ना. तो ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है. नेक्स्ट, वन अपॉन लॉग वन माइनस एक्स बेस 10. अच्छा 6,
बेसिकली मुझे कुछ फंक्शन तक पढ़ाना है, वो हो जाएगा. जैसे मेरी स्लाइड खत्म हो जाएगी क्लास ओवर हो जाएगी. देखें कितने क्वेश्चन हैं आगे. लेट मी सी. ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10 पेज ही होंगे आगे. साइड में सही रहता है, क्वेश्चन लिखने की टेंशन नहीं रहती. वन अपॉन लॉग, तो वन अपॉन है, सोचो सोचो, क्योंकि लोग मुझको कहीं ना कहीं, नहीं शामनी मैं नहीं बनाता हूँ, मैं नोट्स दे देता हूँ, एक सर है वो स्लाइड्स बनाते हैं, तो इसी वजह से कहीं कहीं गलती होती है. हेत सोचना, सब लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोचे करना. जिसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत लोगों के गलत हैं आंसर, बहुत ज्यादा लोगों के गलत हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना. सबसे पहला क्या है, मतलब देखो यहां पे पहला दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता. दो कंडीशन आएंगी, देयर वुड बी टू कंडीशन. एक कंडीशन किसकी होनी चाहिए? एक कंडीशन होनी चाहिए लॉग की. एक कंडीशन होनी चाहिए लॉग की. तो लॉग की कंडीशन क्या होती है? लॉग के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, यानी वन माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. इससे क्या मिला गुड आदित्य? इससे क्या मिला? एक्स उधर भेजा, एक्स लेस देन वन. अभी कुछ लोगों का सही आ रहा है. दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. इधर से मिला बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू वन. ये मेरी पहली कंडीशन डन हो गई. दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. सिद्धि देखो, जीरो से वन नहीं आएगा, माइनस इंफिनिटी टू वन आएगा. क्यों? एक्स लेस देन वन है. दूसरी चीज, log of 10, 1 minus x cannot be equal to 0, क्योंकि denominator cannot be equal to 0. इस 0 को क्या लिखा जाता है? log 1 base 10, यानी कि 1 minus x cannot be equal to 1. It means x cannot be equal to 0. तो final answer इन दोनों का intersection would be, जिसको मैं चाहे तो ये लिखूं, माइनस इंफिनिटी टू वन डिफरेंस जीरो, या फिर माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो से वन. अभी क्लियर हुआ जिनका जिनका गलत था? एक डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देखी और एक मैंने लॉग वाली कंडीशन देखी. दोनों कंडीशन को मैंने यूज किया, दोनों का आंसर निकला, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. एंड इन द एंड आई हैव टेकन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द पार्ट. गॉट इट? ऊपर वाली चीज लॉग की कंडीशन होती है, क्योंकि लॉग का इनपुट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो लॉग का इनपुट इज 1 माइनस एक्स, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो x को चाहे इधर भेज दे या उधर भेज के ये लाते. अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना अब तक आ जाना चाहिए. ठीक है,
ठीक है, मानस रिवाइज करके आओ बेटा। हाँ एक क्वेश्चन छूट गया ना, ये क्वेश्चन आज रात तक मैं होमवर्क दे दूंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं होगा क्योंकि इवन दो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे डोमेन में कराए, ये इस पहली क्लास है तो इसमें सिर्फ डोमेन के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे बेस हैं, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये पूरी की पूरी चीज तुम्हारी फंक्शन कैलकुलस में यूज होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल बताता हूं अपने स्टूडेंट का। किसी ने रोहन रोहन शाह का नाम सुना है? रोहन शाह ऑल इंडिया रैंक 77 आईआईटी बॉम्बे। रोहन शाह ऑल इंडिया रैंक 77 आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसने जब ये दिया था एडवांस का पेपर, एडवांस का मेंस का नहीं, एडवांस में एक क्वेश्चन था कैलकुलस, कैलकुलस के ऊपर बेस्ड फंक्शन दिया था मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस फंक्शन का क्वेश्चन था कैलकुलस का, उसमें एक फंक्शन था, ठीक है। अब उसने सॉल्व किया उस फंक्शन को, प्रॉपरली उसने सॉल्व किया, आंसर्स मिले ए ए एंड बी, ठीक है, उसने दोनों टिक किए। सपोज करो आंसर था, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं याद है क्या था, सपोज करो एक्स की वैल्यू जो आंसर निकल रही थी, एक्स की वैल्यू निकल रही थी 1, एक्स की वैल्यू मिल रही थी 2, एक्स की वैल्यू मिल रही थी 3, एक्स की वैल्यू 4, उसने पूरा सॉल्व किया, उसने 1 एंड 2 आंसर मिला, उसने 1 एंड 2 टिक करके आगे मूव कर गया, ठीक है। पेपर के बाद आया हमारे पास, जैसे होता है क्लास क्लास में पेपर के बाद आके डिस्कस करते हैं, ठीक है, हमने सॉल्व करते हैं सब लोग, हम लोग भी सॉल्व करते हैं एडवांस का पेपर, सॉल्व किया तो हमारे भी आंसर 1 एंड 2 आया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस एक्सपेक्टेड होता है दो आंसर सही होंगे, सिंगल नहीं, लेकिन तुरंत ध्यान दिया उस पर, जो फंक्शन दिया था उसके डोमेन में 2 था ही नहीं, मैं वैल्यूज अलग बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू याद नहीं है कि कौन था, उसके डोमेन में 2 था ही नहीं, मतलब जो उसने दूसरा टिक किया था वो आंसर ही नहीं हो सकता, क्यों, वो डोमेन का ही पार्ट नहीं है। इफ समथिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन हाउ कैन इट बी द आंसर, उस मल्टीपल चॉइस का सिर्फ एक ही आंसर था, तो उसके कितने मार्क्स की गलती हुई उससे, ये बताओ कितना कितना बड़ा उसके साथ मार्क्स का डिफरेंस हुआ। सब लोग 5 बोल रहे हैं, एक्चुअली 6 मार्क्स का, मल्टीपल चॉइस में +4 एंड -2 होता है, मल्टीपल चॉइस में -2 होता है, -1 नहीं होता है, तो सोचो उसके 6 मार्क्स का डिफरेंस, अगर वो एक डोमेन का थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली बहुत लोगों ने गलत किया होगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बहुत लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा उस वक्त और ध्यान देके, मतलब और ध्यान देके किया होता वो क्वेश्चन सही होता, तो 6 मार्क्स से उसकी ऑल इंडिया रैंक 77 से ऑल इंडिया रैंक 30-25 तक पहुंची होती, बहुत अच्छी पहुंची होती, ठीक है। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको उन्होंने, होते हैं ना सारे अपने आईआईटी के प्रोफेसर कमीने होते हैं, तो उसको यूज किया उन्होंने कि काफी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, आंसर दिखेगा, 2 आंसर है, मेरा आंसर आ गया, मैंने फोड़ दिया क्वेश्चन, लेट मी टेक इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी लोग वही करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा और ध्यान लगते हैं, ऑब्वियसली ही वॉज ब्रिलियंट बट, ठीक है, यहाँ पे काफी चीजें, मतलब मुझे एग्जैक्टली यही चीज, यहाँ डोमेन डोमेन की ही, वो डोमेन में शायद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वाली चीज थी कि वो पार्ट यूज नहीं होता था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, बट स्टिल मतलब एक छोटी सी गलती, वो डोमेन वाला पार्ट कि वो आंसर का पार्ट ही नहीं हो सकती, और वो आंसर में दिया है,
तो क्वेश्चन देख के ही वो आंसर का पार्ट नहीं हो सकती थी, बट आंसर में देना मतलब और फिर टिक करना, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। हाँ स्टोरी मैं सुना रहा था, स्टोरी तो सुन ली, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। डोमेन कब से क्या लॉग है, सबसे पहले लॉग 7 हटेगा, तो लॉग 7 हटेगा। यस चलो अच्छा एक मिनट, दो मिनट देता हूं, करो। करो सब लोग। आ गया मैं। टिंग 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 टिंग, कौन सा गाना था ये? हाँ सही है। हाँ रिंगटोन थी बट इतना तो कह दो ना। यस लॉग 7 अगर मैं हटाऊंगा, हाँ ठीक है, कितने बजे? 6:00 ठीक है, 6:00 डन। लॉग 7 मैं हटाऊंगा तो इसके ऊपर कंडीशन क्या आएगी? ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर इसके ऊपर आई तो log 5 के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 है, तो इसके ऊपर क्या कंडीशन आएगी? ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1। ये समझ में आया किसी को? इट इज लाइक सेइंग log 5 ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, तो वो ब्रैकेट क्या होगा? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब वो ब्रैकेट क्या था? वो ब्रैकेट था log 3, यानी कि log 3 ब्रैकेट ग्रेटर देन 1, तो वो ब्रैकेट क्या होगा? ये सबको log पता है ना, log जब हटता है तो 3 की पावर 1 हो जाता है। इट इज लाइक सेइंग 5 की पावर 0, दिस इज लाइक 3 की पावर 1। अब जब ये log 2 हटेगा तो ये बनेगा 2 की पावर 3, यानी इन द एंड मेरा ये log का पार्ट है, शायद मैं log रिवाइज करोगे तो मिल भी जाएगा, ग्रेटर देन 2 की पावर 3। ऑब्वियसली हर जगह ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 8 आ रहा है, तो मुझे दूसरा वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन सा? अपोजिट वाला। अगर यही लेस देन 0, लेस देन 1, लेस देन 3, लेस देन 8 आ रहा होता तो मुझे ग्रेटर देन 0 हर जगह डोमेन कंडीशन देखनी पड़ती, ठीक है। जिसको अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो लॉग वाली थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज कर ले। लॉग सेज लॉग एक्स बेस 2 ग्रेटर देन 5, इसका क्या मतलब होता है? एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 5, यही तो होता है ना लॉग की डेफिनेशन, या log x बेस 2 इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये log की डेफिनेशन होती है, वही डेफिनेशन मैंने यूज की है इनइक्वालिटीज के लिए। तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x, ये 2 की पावर 3 इधर आया, ठीक है, यहां तक सही है सबका? अब ये देखो, ये एक क्यूबिक फंक्शन मिला,
मेरे पास कोई भी मेथड नहीं होता है क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करने का. क्यूबिक फंक्शन का पहला रूट गेस किया जाता है. यू विल ऑलवेज गेस द फर्स्ट रूट ऑफ द क्यूबिक फंक्शन. वो होता है 1 - 1 (half - half) 0, 2 and -2. तो क्या इसका रूट 2 दिख रहा है? ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको, या हिट एंड ट्रायल बोलते हैं. क्या इसका रूट 2 दिख रहा है? कैसे चेक करोगे? 2 को पुट करोगे. अगर पूरी इक्वेशन 0 बन जाती है तो इसका रूट 2 है. ठीक है, तो अगर इसका रूट 2 है तो इसका मतलब सीधे सीधे दो तरह से करते थे. इस पूरे क्यूबिक फंक्शन को x माइनस 2 से डिवाइड करते थे, पॉलिनोमियल डिवीजन x माइनस 2 से डिवाइड करते थे. जो भी ऊपर ऊपर आता था उन दोनों का मल्टीपल हो जाता था. कैसे करते थे? 2x square से मल्टीप्लाई किया, 2x cube - 4x square माइनस प्लस, तो 9x square - 14x प्लस 9x square - 18x फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 4x - 8 हुआ, तो प्लस 4 किया. ठीक है, मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं. ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज हो गया. बेसिकली फैक्टराइजेशन है, रूट मिलने के बाद फैक्टराइज हो गया किसमें? x - 2, 2x² + 9x + 4 > 0. ऑब्वियसली ये भी एक क्वाड्रेटिक है, जो भी मुझे फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है. क्या फैक्टर हो रहे हैं इसके? शायद 2x - 2x + 1. एम आई करेक्ट? ये सही लिखा है मैंने? यस और नो? कुछ गलती की है मैंने? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ रही है. हाँ, सही लिखा है ना मैंने सारे स्टेप? ठीक है, अब इसके बाद तो ये वेविकर इनइक्वालिटी है. सीधे सीधे मुझे तीन रूट दिख रहे हैं, एक माइनस फोर माइनस हाफ, तो ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे हिसाब से माइनस फोर से माइनस हाफ यूनियन टू से इनफिनिटी, दैट इज माय आंसर. सही आंसर है माइनस फोर से माइनस हाफ यूनियन टू से इनफिनिटी. ठीक है, लॉग में अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, लॉग वाली क्लास वापस देख लेना, लॉग से समझ में आ जाएगा कि लॉग हटाते कैसे हैं. लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल टू, अगर अल्फा है तो एक्स की वैल्यू ए की पावर अल्फा होती है, वही यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है और बेस बेस वन से बड़ा है, तो एक्स वुड बी ग्रेटर देन ए की पावर अल्फा. ठीक है, आगे बढ़े. किसी ने कुछ पूछा? क्या पूछा? तो चैट उड़ जाता है. ठीक है साहिल, वो उससे पहले वाला जो लॉग का क्वेश्चन था, लेस देन वाला, वो देखना उसमें मैंने क्या किया था. आगे बढ़े. अगेन टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं. आज के लिए क्वेश्चंस हो गए. We are done with today's set of questions. अब हम कुछ definitions, theory देख रहे हैं. ठीक है. Can you see the screen? आपको screen दिख रहा है? Types of function, domain.
डोमेन तो हमने सबका लिख लिया था, रेंज व्हाट डू यू मीन बाय रेंज, रेंज भी हमने डिस्कस किया था, रेंज मीन्स आउटपुट जो आंसर आ सकता है. साइन एक्स का आंसर कहां से कहां आ सकता है, माइनस वन टू वन. कॉस एक्स का माइनस वन टू वन. टेन एक्स का आर. कॉट एक्स का आर. कोसेक एंड कॉट सेक का, ठीक है एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. यहां पे मैंने पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक्चुअली ग्राफ में भी ये रेंज देखी थी, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखे थे, देन वी हैव गॉन थ्रू दिस रेंज. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये सारी डेफिनेशंस हैं. सबसे इजी और सब मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल किस दो तरह के फंक्शंस होंगे इसमें, एक होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक फंक्शन. अभी देखेंगे आगे. ये चीज लिख लिया सबने, ओके अब वेट कर रहा हूं. वेटिंग कितने क्वेश्चन आंसर दो पूछा. आगे बढ़े, ये हुए, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बचपन से पढ़ा है, टेंथ में भी पढ़ा था, इलेवेंथ में पढ़ा था, कुछ लोगों ने तो दो तीन महीने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री. आगे बढ़ते हैं, लॉग फंक्शन अगेन, ठीक है लॉग फंक्शन में सबको ग्राफ याद है लॉग का, अगर बेस ग्रेटर देन वन होता था, ए ग्रेटर देन वन, ये पोजीशन क्या होती थी वन वाली, और अगर बेस जीरो से वन होता था पोजीशन, वो भी वन वाली. इसी वजह से वो इनइक्वालिटी रिवर्स होती थी. देखो इसमें जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं इस साइड, वैसे ही वैसे मेरा ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा है, जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है वैसे ही मेरा वाई बढ़ रहा है. तो इसका मतलब जब भी ए ग्रेटर देन वन है मेरी इनइक्वालिटी रिमेन सेम. बट नोटिस करो, इसमें अगर मैं एक्स बढ़ रहा हूं तो मेरा वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो जब भी बेस जीरो से वन होगा मेरी इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है. दैट वाज द रीजन इनइक्वालिटी का, की डेफिनेशन का, ठीक है. बाकी डोमेन तो तुमको पता ही है, रेंज समझ में आता है, माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी जाती है रेंज. रेंज का मतलब बेसिकली y की वैल्यू, डोमेन का मतलब बेसिकली x की वैल्यूज. तो y कहां से कहां मूव कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है. तो ये हुआ मेरा लॉग फंक्शन, लिख लिया. Log function done. आगे बढ़ते exponential function, ये भी हमने पढ़ा है. जैसे log होता है exponential function, a की power x, domain range, इसका भी graph हमने देखा था. Basically log and exponential आपस में related होते हैं.
जब भी a ग्रेटर देन वन होता था तो ऐसा ग्राफ होता था, और जब भी a लेस देन वन होता है तो बेसिकली a बिलोंग्स टू जीरो से वन, बेसिकली log n एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर सेट टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है, और इनवर्स फंक्शन हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो अगर किसी को इसमें लॉग बनाना था तो लॉग का ग्राफ एक्चुअली ऐसा होता, तो देखो ये इसका मिरर इमेज होता, ठीक है, बट वो वाला इसमें मैं बनाऊ यस वाई नॉट फ्रॉम जीरो टू वन, क्या कह रही हो? So I mean, why can't the log be inverse for exponential from 0 to 1? I mean, why only... Really, it is the inverse of 0 to 1 also. So, but then the graph is like... Tumko bana deta hu main, samajh mein aa jayega, dikh nahi raha hai, but main color change karunga to tumko samajh mein aayega. Ye kya banaya maine? What is this line? This is a line, na? Yes. Y is equal to x. Iske respect mein mirror karo. Palto. Ya dusre color se banau to acha lagega. Dikh raha hai? Isko palat karke ye ban raha hai? Yes, I got it. नेक्स्ट आते आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू x, सबसे सिंपल फंक्शन होता है. y इक्वल टू x एक लाइन होती है, सबने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा है. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू x. इसका डोमेन भी r होता है, इसका रेंज भी r होता है. ये सब डेफिनेशन है. डेफिनेशन एज इन तुम्हें कहीं ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाता है दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो तुम समझ जाओ कि आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन दे रखा है. y इज इक्वल टू x डेफिनेशन से, डेफिनेशन से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, जल्दी से लिख लो. y इज इक्वल टू x और फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू x भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इसी का मतलब फंक्शन हुआ ना, फंक्शन ऑफ x. ये मेरा पिछला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, ऐसे ग्राफ थे, और दूसरा ये ग्राफ था. ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये रफ कर लो. आई मूव टू नेक्स्ट पेज. आइडेंटिटी फंक्शन आगे बढ़ो. क्वाड्रेटिक फंक्शन सबको पता है. क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज सबको पता है. क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ याद करो, ओपनिंग अपवर्ड होता था या ओपनिंग डाउनवर्ड होता था. ओपनिंग अपवर्ड में मिनिमम वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता था, तो इसकी वजह से इसकी रेंज होती थी माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी. ये ए ग्रेटर देन जीरो वाला ग्राफ होता था. किसे नहीं पढ़ा है? ओके ओके ठीक है, डोंट वरी, फिर वैसे नहीं पढ़ा है, आई एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बनता था, ये इसका लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट होता था ए ग्रेटर देन जीरो में, और a लेस देन जीरो में पॉइंट इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट बन जाता था माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए, ठीक है, बेसिकली पॉइंट है ये. तो इसमें माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए. अभी के लिए लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन. डोमेन मीन्स
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होती है ना, पॉलिनोमियल में वी कैन पुट एनीथिंग, पॉलिनोमियल के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं होती, आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स. आगे बढ़े, ठीक है. पॉलिनोमियल फंक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट दिस. पॉलिनोमियल फंक्शन मींस, सबको पता है ना पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एक्स की पावर होल नंबर होती है. इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर. एक्स की पावर माइनस टू इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट हैज टू बी होल नंबर. ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉइंट्स इसके डोमेन, इसके रेंज. पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन. रैशनल पॉलिनोमियल भी लिखने की जरूरत नहीं है. रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू. रैशनल पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल. ठीक है, ये लिख लो एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्रिक फंक्शन कौन होते हैं, जिसमें एक्स की पावर फ्रैक्शन भी आ सकती है, एक्स की पावर हाफ भी आ सकती है, एक्स की पावर माइनस टू भी आ सकती है. एल्जेब्रिक फंक्शन में फ्रैक्शनल पावर भी आ सकती है. एग्जाम्पल लिख लो बस. लिख लिया होगा सबने, दो मिनट का काम है. ठीक है, ये सब डेफिनेशंस हैं, मतलब नाम है, उसका एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूं बस. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेसिकली नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्रिक में क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए या एक्स की कोई फ्रैक्शनल पावर. इसमें उसके साथ साथ कोई, मतलब देखो हर जगह दो टाइप के फंक्शन आ रहे हैं ना इसमें. देखो नोटिस करो, देयर आर मिनिमम टू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग के साथ पॉलिनोमियल. ठीक है, जब दो फंक्शन का मिक्सचर आ जाएगा तो देयर दोज आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. पता नहीं क्या लिखा रहता है. ठीक है, बेसिकली दीज आर नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन. आगे बढ़ू, एग्जांपल लिख लिया. एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फंक्शन, ये भी आपने पढ़ा है. मॉड फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x, जिसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता था, रेंज जीरो टू इंफिनिटी होती थी. इसका ग्राफ याद है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, यानी टू पे बेसिकली वैल्यू इसकी टू ही होनी चाहिए, माइनस टू पे भी वैल्यू इसकी बेसिकली टू होनी चाहिए. ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का, ये भी हमने पढ़ा है, सब रिपीट कर रहे हैं बेसिकली. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड x बोलते हैं उसको. डोमेन ये होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रेंज होता है जीरो टू इंफिनिटी विद अ क्लोज ब्रैकेट. लिख लिया, मेरी फंक्शन की जब भी क्लास हो अपनी पुरानी क्लास रिवाइज करके आओ. ठीक है, कोई भी चीज भूलना नहीं है, ये भी लिख लो. एंड ऑफ स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट. ये देखो ऊपर लिखा है ना छोटा सा, तो कहेंगे इसको बैटरी का लास्ट पे. हाँ, ठीक है. एवरीवन,
आई एम डन, ठीक है. ठीक है एवरीवन, आपने शायद ये लिख लिया, इससे पहले ये था. इससे पहले ये था एंड इससे पहले ये था. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. क्वाड्रेटिक फंक्शन, आई गेस आई एम डन. ठीक है, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया तुम लोगों को आज. इससे पहले क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन था. वापस मैं सब आगे आगे चल जा रहा हूं. दिस वॉज आइडेंटिटी फंक्शन. दिस वॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन. ये क्या हो गया, ठीक है. ये दोनों लिखे, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज एलजेब्रिक फंक्शन. सेकेंड लास्ट फंक्शन एंड सेकेंड लास्ट एंड लास्ट फंक्शन, आई गेस डन. चलो मिलते हैं ट्यूजडे. बाय सर. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय. ठीक है. Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir. Thank you sir, bye sir. Bye everyone, bye.